पेपर में क्या है कि अपने पास हार्ड क्वेश्चन कुछ कुछ है क्वेश्चन, है ना, ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो हार्ड है, 24, 30, 25, 32, 34, 36, 44, 50, 61, 64, 78 और 82। तो यहाँ पे भाई इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 59 क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त है, 59 क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही जबरदस्त है। इसमें क्रैब साइकिल लिख दिया यहाँ पे, जल्दी नहीं बोलती वो भी रहती है कि क्रैब साइकिल भी यहाँ ध्यान नहीं देते कि जो फैटी एसिड होते हैं वो ग्लिसरॉल ना ग्लिसरडीहाइड के फॉर्म में तो एंटर करते हैं, लेकिन क्रैब साइकिल में नहीं, ग्लाइकोलिसिस में एंटर करते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन जो है 27 वाले, थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है कि हाँ भाई लगता है कि है सही, लेकिन लाइनों में थोड़ा एनसीईआरटी की थोड़ा मिसिंग है, जैसे कटिंग और डिसॉल्यूशन वाला एक आ गया, कटिंग और डिसॉल्यूशन वाला एक आ गया था, है ना, वो आइस प्लाज्मिड वाला। ओके, और 27, 43, 48, 53, 66, 71, 81, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन थोड़े इजी है, लेकिन ट्रिकी है थोड़े से कि ऊपर नीचे गलती हो सकती है, कि लगता है कि भाई सही है लेकिन जब मैच करो तो गलत रहता है, ऐसा टाइप क्वेश्चन है ये। तो अच्छा पेपर है, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, 320+ अच्छा स्कोर होगा इसमें, 320+ अच्छा स्कोर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द हार्मोन विच परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ओके, रेगुलेशन ऑफ BMR, रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। तो ये सारे फंक्शन किसके हैं, ये सारे फंक्शन अपने पास थायरोक्सिन के हैं। थायरोक्सिन क्या करता है, बेसल मेटाबोलिक रेट दैट इज BMR को रेगुलेट करता है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन दैट इज इरिथ्रोपोइसिस करता है, और ये मेंटेनेंस करता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो लोग क्या सोचेंगे मेंटेनेंस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को दिमाग में, जरूरी ये एल्डोस्टेरोन के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट भी है कि थायरोक्सिन भी मेंटेनेंस करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा थायरोक्सिन, ये सब अपना आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। इफ मदर इज RH नेगेटिव एंड फीटस इज RH पॉजिटिव, द कंडीशन ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस में अकर, दिस कंडीशन में बी अवॉइडेड बाई एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडीज टू। तो यहाँ पे एनसीईआरटी की लास्ट लाइन में लिखा है कि अपने पास इसको बचाया जा सकता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस को, कैसे, बाई एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडी टू द मदर, फिटस में नहीं देना, मदर में देना है। तो अपने पास दो एलिमिनेट हो गया, है ना, ए और डी। ओके, इमीडिएटली आफ्टर द, बाद में, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर इसी चीज़ से कन्फ्यूज करेगा। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, पहले चाइल्ड के, यहाँ पे तो एग्जामिनर नहीं पूछा ये, लेकिन हमारे पास अगर फर्स्ट चाइल्ड या सेकंड चाइल्ड के बाद ये भी आ सकता है क्वेश्चन, तो फर्स्ट चाइल्ड के डिलीवरी के बाद मदर को, जस्ट बिफोर नहीं, जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास बी ऑप्शन। ओके, विच इंटरफेयर, ओके, विच, ओके, विच रिफर्स टू टैक्सोनॉमिकल एड, ओके, विच रिफर्स टू टैक्सोनॉमिकल एड, करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू, ओके, क्या पूछा है, ओके, विच रिफर्स टू टैक्सोनॉमिकल एड, करेक्ट स्टेटमेंट आर, ओके, विद रेफरेंस टू, नहीं, विद रेफरेंस पूछा है ना, ओके, हमने क्या बोल दिया, तो विद रेफरेंस पूछा है टैक्सोनॉमिकल एड्स, ओके, किसके बारे में बता रहा है, ईच, ओके, ईच स्टेटमेंट इन द की कॉल्ड एज कपलेट, नहीं नहीं ईच स्टेटमेंट को हम कपलेट नहीं बोलते, ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज लीड, ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज लीड, ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज लीड, हर स्टेटमेंट क्या कहेंगे, लीड कहेंगे, हर स्टेटमेंट क्या कहेंगे, लीड कहेंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, ओके, इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, सही है, सही है क्या, यानी एनिमल स्पेसिमेन कहाँ होते हैं, यहाँ नहीं होते, यहाँ पे प्लांट स्पेसिमेन होते हैं, सिप और सिप, तो गलत जाएगा। सेपरेट टैक्सोनॉमी की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमी कैटेगरी, यस, सेपरेट टैक्सोनॉमी की, ओके, सेपरेट टैक्सोनॉमी की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमी कैटेगरी, एंड सही सही बोलती है, ऐसा सही हो जाएगा। की आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, यस, की आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, ये भी सही है, अपने पास पूछा गया, करेक्ट करेक्ट, अपने पास हो जाएगा CND। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, स्टोक वॉल्यूम 70 ml, यस, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड, यस, कार्डियक आउटपुट 5 लीटर पर सेकेंड नहीं होता, पर मिनट होता है, पर मिनट कार्डियक आउटपुट जो होता है पर मिनट होता है, 5 लीटर का ब्लड पंप करता है हार्ट, तो ये गलत जाएगा। हार्ट रेट दैट इज 32 बीट्स पर मिनट, सही है आंसर, जाएगा सी, गलत है अपने पास, सही गलत पूछा, ये सब इंपॉर्टेंट है, गलत पूछा है अपने पास। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट माइक्रोब आर नॉट यूज, तो अपने को पता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट, और टर्शियरी ट्रीटमेंट क्या बोलते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट, तो इसमें क्या नहीं होता, माइक्रोब का यूज नहीं होता, क्योंकि माइक्रोब का सीव यूज कहाँ पे होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम किसको कहते हैं, ओके, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को, तो यहाँ पे सेकेंडरी में इसी पर सिर्फ माइक्रोब का यूज होगा, सी प्राइमरी और टर्शियरी में नहीं होगा। इन द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस व्हेन एंटी हेपरिन इज बींग एडेड, ओके, कब एंटी हेपरिन एड किया जाता है, तो एनसीईआरटी ने बोला, ओके, द क्लियर ब्लड इज पंप्ड बैक टू
द वेन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वेन में पंप किया जाता है आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिन। पहले डाल दिया था हिपेरिन, जब उसको कहां से लिया था, आर्टरी से, तो हिपेरिन डाल दिया था। अब उसको वापस से जब क्लियर ब्लड को हम कहां डाल रहे हैं, अपने वेन में, तो क्या डालना पड़ेगा, एंटी हिपेरिन डालना पड़ेगा। तो अपने पास कब कब कब, ओके, इन टू द ब्लड, इन टू द ब्लड, इन टू द बिफोर द क्लियर ब्लड इज पंप बैक टू थ्रू द वेन, ये हो जाएगा बी वाला। द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर रिगार्डिंग स्लाइम मोल्ड, ओके, इस, तो स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा है, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा है, क्या है ये, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा है। तो यहाँ पे पैरासिटिक तो हटा गया, दो एलिमिनेट हो गए, दो एलिमिनेट हो गए, ए और बी एलिमिनेट हो गए। उसके बाद सी और डी की बात करते हैं, अपने पास प्लाज्मोडियम, इसमें प्लाज्मोडियम के पास क्या नहीं होता, वॉल्स नहीं होते, टू वॉल्स नहीं होते प्लाज्मोडियम के पास, टू वॉल्स तो होते हैं स्पोर्स के पास, टू वॉल्स किसके पास होते हैं, स्पोर्स के पास, प्लाज्मोडियम के पास टू वॉल नहीं होता। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि जो डिस्पर्स होते हैं स्पोर, किससे होते हैं, एयर करंट से, स्पोर्स और डिस्पर्स by air current, so D is correct and we have the required answer. Read the following statement. Solidification of, okay, solidification, solidification of feces in the rectum reduce the urge of defecation. Na 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 na. जब solid हो जाएगा फीकस तो अपने पास urge आ जाएगी, increase हो जाएगा urge of defecation, not decrease, reduce. तो ये गलत हो जाएगा। Vomiting is a reflex action. Yes, NCERT ने बोला है vomiting क्या है? Vomiting एक reflex action है, तो ये सही है। इलेक्ट्रोलाइट लाइक सीएल माइनस आर एब्जॉर्ब थ्रू द गट बाई सिंपल डिफ्यूजन, सही बात बोल रहे हैं, एनसीईआरटी ने साफ साफ बोली है कि अपने पास सीएल माइनस जो होगा, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सीएल माइनस, यहाँ पे एनसीईआरटी बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट लाइक सीएल क्लोराइड आयन जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन, क्लोराइड आयन सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होते हैं, और एनए प्लस और एमिनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अंदर ले जाते हैं। मिसेल्स आर फॉर्म्ड इन द गट, जो मिसेल्स होते हैं, तो पहले बात कर लेते हैं, तो मिसेल्स क्या होंगे अपने पास, जो मिसेल्स होंगे अपने पास, सपोज ये गट है, ठीक है ना, इसके पास बाहर में सेल्स हैं, यहाँ पे सेल्स हो गए, मैक्रोविलाई की सेल्स हो गई। अब यहाँ पे क्या है, अपने पास फैट है, अब वो फैट जो होगा आपस में मिल मिल के मिसेल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब ये मिसेल्स जो होंगे, मिसेल्स का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, गट के ल्यूमेन में हो रहा है ना, तो ल्यूमेन में हो रहा है, गट की ल्यूमेन में। अब अंदर जाने के बाद, अंदर जा गए ये, जब ये किसके अंदर चले जाएंगे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के सेल्स के अंदर चले जाएंगे, तो अब क्या होगा, ये स्मॉल प्रोटीन कोटेड जो फैट थे, अब इनके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग हो जाएगी, अब इस फैट के ऊपर प्रोटीन की कोटिंग हो जाएगी, अब इसको क्या कहेंगे, काइलोमाइक्रोन। तो काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन सेल के अंदर हो रहा है, ओके, और अपने पास मिसल्स का फॉर्मेशन गट में हो रहा है, किस सेल के अंदर हो रहा है, काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की सेल्स के अंदर। तो ये सही है, अपने पास करेक्ट पूछा है, तो अपने पास बी सी डी इज करेक्ट, एंड वी हैव थ्री ऑप्शन विच आर इनकरेक्ट, सो डी इज रिक्वायर्ड आंसर। विच सेट ऑफ हार्मोन इज स्टेरॉइडल इन नेचर, तो अपने पास कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरोन होते हैं क्या, अपने पास ये हो जाएगा आंसर। इन प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कस्ट बाय बैक्टीरिया, तो सिट्रस कैंकर जो होता है, बैक्टीरिया से कस्ट किया जाता है सिट्रस कैंकर। मोजेक जो होता है ना, मोजेक डिजीज, तो वायरस की वजह से, लेट ब्लड अपरेटो लेट वाला है तो अल्ली आएगा, फाइटोप्लाज्म इन्फेस्टेंस से होता है, परेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज वायरॉइड से होता है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, एक्सपायरेशन इज द रिजल्ट ऑफ, एनसीईआरटी लिखा कि एक्सपायरेशन कब होगा, ओके ओके, अपने पास लिखा गया, एनसीईआरटी ने क्या लिखा, क्या लिखा, लिखा रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरनल एक्सट्राकोशन मसल, यहाँ पे इंटरनल लिखा, इंटरकोशन मसल लिखा, यहाँ पे तो एक्सटर्नल आ जाएगा, ये एक्सटर्नल इंटरकोशन मसल, रिटर्न ऑफ डायफ्राम एंड स्टर्नम नॉर्मल पोजिशन एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा इससे, एक्सपायरेशन हो जाएगा, एक्सप्लोजन ऑफ एयर, दैट इज एक्सपायरेशन कब होगा, जब रिलैक्सेशन होगा, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल, क्योंकि अपने पास एक्सपायरेशन, जब इंस्पायरेशन होता है तो अपने पास एक्सटर्नल इंटरकोशल मसल कंट्रैक्ट करते हैं और थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, डायफ्राम की कंट्रैक्शन से थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ेगी और एक्सटर्नल इंटरकोशल मसल के कंट्रैक्शन से अपने पास थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्यूम होगी वो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ेगी। तो जब हम वापस ये वापस अपने पोजीशन पे आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा थोरेसिक कैविटी का, प्रेशर बढ़ जाएगा थोरेसिक कैविटी का और बाहर चला जाएगा एयर, एक्सप्लोजन हो जाएगा एयर का, कब, जब रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोशल मसल एंड डायफ्राम। Which of the following plant required light exposure? Okay, which of the following plant required light exposure less than critical period of? ओके, क्रिटिकल पीरियड से कम कहाँ लगेगा, अपने पास ये हो जाएगा शॉर्ट डे प्लांट में, शॉर्ट डे प्लांट में क्या लगेगा, कम 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 लाइट में क्या हो जाएंगे, ये फ्लावरिंग हो जाएंगे, कम लाइट में क्या हो जाएंगे, ये फ्लावरिंग हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, शॉर्ट डे प्लांट में, शॉर्ट डे प्लांट में। What will be the effect on oxygen dissociation curve if the temperature is decreased? जब temperature decrease करेंगे तो ये right shift होगा कि left shift, left shift, क्योंकि यहाँ पे temperature बढ़ाने से right shift होता है, temperature कम करने से hemoglobin के साथ binding बढ़ जाएगी और ये left shift show करेगा, left shift show करेगा, left shift show करेगा।
चूज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इवेंट विद रेस्पेक्ट टू द फंगल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो इंस्टेड ने साफ साफ मेंशन किया, पहले होता है प्लाज्मोगैमी, फिर क्या होता है कीरियोगैमी, और फिर क्या होता है मियोसिस। प्लाज्मोगैमी, कीरियोगैमी एंड देन मियोसिस, इंस्टेड ने स्टेप वाइज मेंशन किया ये। बैक्टीरिया ऑन इट्स आउटर लेयर कंटेन, तो एनसीडी साफ साफ बोलती है कि बैक्टीरिया के पास कितने लेयर होते हैं। अपने पास बोला कि एनसीडी ने सेल एनवलप जो होता है बैक्टीरिया का कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर, सबसे बाहर में ग्लाइकोकैलिक्स होगा, उसके बाद सेल वॉल होगा, और उसके बाद अपने पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है सबसे बाहर होता है। इंड डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग, द प्रोब रिफर्स टू डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग में सिंगल स्ट्रैंड डी एन ए आर एन ए दैट इज टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल और रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज नोन एज प्रोब, इज नोन एज प्रोब। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड होगा, सिंगल स्ट्रैंड होगा, डबल स्ट्रैंड तो हो नहीं सकता, तो आंसर गलत हो गया। अपने पास है ना डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग है, तो डी एन ए आएगा यहाँ पे, साउथर्न ब्लॉटिंग करते हैं ना। ओके तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस अकर इन, एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला है, हम तो सबकी बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी बोलते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस कहाँ पे देखने मिलेगा, रोटी फर्स के अंदर है ना। ओके हनी बी के अंदर सबसे फेमस हनी बी रोटी फर्स जो होते हैं वो उसमें भी देखने को मिलता है, और लिजार्ड्स में, कुछ लिजार्ड्स में, और बर्ड लाइक टर्की, तो सारे एग्जाम्पल कवर हो गए अपने पास। तो यहाँ पे जनरली कहाँ पे देखने मिलेगा, हनी बी टू प्रोड्यूस ड्रोन्स विच आर हैप्लॉइड इन नेचर। मैच द साइंटिस्ट, मैच द साइंटिस्ट प्रेजेंट इन द कॉलम वन विद देयर कंट्रीब्यूशन इन द कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। इवानोवस्की, इवानोवस्की साहब ने क्या बोला भाई, अपने पास इन्होंने देखा कि इवानोवस्की, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या करेक्शन लिखा है कि करेक्शन गलती है यहाँ पे किया कि अपने पास प्रिंटिंग मिस्टेक, कुछ नई एनसीईआरटी में तो आ गया वापस, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में गलती है कि जो टर्म नेम वायरस है ना उसको पास्चर ने दिया था यहाँ पे, इसके बाद बाय के बाद यहाँ पे मिसिंग है पास्चर टर्म। कुछ एनसीईआरटी में मैच मिलेगा लेकिन कुछ में नहीं मिलेगा, तो लोग क्या समझ लेते हैं डिमिट्री इवानोवस्की ने, नहीं डिमिट्री इवानोवस्की ने तो क्या किया, टीएमवी को खोजा था, दैट इज मोज़ेक डिसीज ऑफ टोबैको को खोजा था। तो इवानोवस्की ने पहली बार डिस्कवर किया था वायरस को। ओके पास्चर साहब ने दिया टर्म, ओके इन्होंने बोला ये लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड है, ये पॉइजनस फ्लूइड है, किसको, वायरस को बोला। तो बी का क्या हो जाएगा, 4, बी का 4, ए का 3, ए का 3, बी 4, ए 3, बी 4, ए 3, बी 4, वी हैव टू ऑप्शन विद दिस, सो इट इज इनकरेक्ट एंड इट इज इनकरेक्ट। ओके तो अपने पास अब बेंजिनिक साहब ने क्या बोला, बेंजिनिक साहब ने बोला कि अपने पास ओके कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, जो बेंजिनिक साहब थे उन्होंने क्या बोला, ओके बेंजिनिक साहब ने बोला कि अपने पास कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम दैट इज लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूड होता है वायरस। तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज मैच्ड विद, सी इज मैच्ड विद 1, सो वी हैव दिस सी ऑप्शन विच इज करेक्ट। स्टेनले साहब ने क्रिस्टलाइज किया था टीएमवी को पहली बार। मेजर एंड्रोजन प्रेजेंट इन ह्यूमन इज, तो मेजर एंड्रोजन अपने पास क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। मेजर एंड्रोजन क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। वन ऑफ द कॉमन यूज, ओके वन ऑफ द कॉमन यूज प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन पाइन एप्पल टू प्रमोट फ्लावरिंग, तो पाइन एप्पल में फ्लावरिंग करने के लिए दो दो चीज एनसीईआरटी ने लिखा है, एक तो फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल पूछे तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिन। अगर फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल पूछे सिंपल आंसर देंगे ऑक्सिन, अगर फ्लावरिंग प्लस सिंक्रोनाइजिंग फ्लावरिंग बोला तो हमने बोला इथाइलिन आंसर जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग बोला है तो प्रायोरिटी तो ज्यादा किसकी होगी, प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होगी अपने पास, प्रायोरिटी ज्यादा अपने पास ऑक्सिन की होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा, दैट इज आई ए इंडोल एसिटिक एसिड, क्योंकि फ्लावरिंग पाइनएप्पल में फ्लावरिंग प्लस फ्रूटिंग बोल दिया तो इथाइलिन जाएगा, और अपने पास फ्लावरिंग बोला तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जाएगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट, अपने पास हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, तो यहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं जर्मिनेशन के लिए और गैमेट बनते हैं फ्यूजन के लिए, एक तो नारा लगाना है अपने पास, स्पोर्स बनते हैं जर्मिनेशन के लिए और गैमेट बनते हैं फ्यूजन के लिए। तो यहाँ पे स्पोर्स कैसे जर्मिनेट कर जाएंगे और क्या बनाएंगे, हैप्लोइड तो हैप्लोइड चीज बनाएंगे, हैप्लोइड कौन होता है, गैमेटोफाइट बनाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, सी। ओके लीस्ट लेवल ऑफ क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन इज, तो अपने पास न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोसोम सॉरी नॉट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसोम जो होता है 200 बेस पेयर से बना होता है, और ये अपने पास लीस्ट वाला होगा, लीस्ट वाला लीस्ट लेवल, इसके बाद तो सुपर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड और बहुत सारी चीजें बनाएगा। अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस, पोलन ग्रेन, स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर एट्रैट, पोलन मदर सेल एंड मेगा मेल गैमेट, ठीक है। सबसे पहले क्या बनेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू बनेगा। अब स्पोरोजिनस टिश्यू से कुछ सेल मॉल एंड मदर सेल में डिफरेंशिएट हो जाएंगी, तो एनसीईआरटी बोलती है कि ईच सेल ऑफ, ओके ईच सेल लिखा है पीछे, मैं इसके पीछे में लिखा स्पीच के, तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं ना, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज अ पोटेंशियल एमएमसी दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, हर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब बन सकता। तो यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड देन मेगा माइक्रोस्पोर टेट्राहेड, तो पहले क्या बनेगा स्पोरोजिनस टिश्यू अपने पास, ये हो जाएगा
और ये आगे स्पोजिन शिशु के बाद क्या बनेगा, पोलन मदर सेल, और फिर पोलन मदर सेल के बाद जो होगा माइक्रोसोटेट बनेगा, और जब माइक्रोसोटेट होगा वही पोलन गैमेट डिफरेंशिएट हो जाएगा। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर जिम्नोस्पर्म्स, ओके जिम्नोस्पर्म के लिए आपको गलत बताना है सर। तो लिप्स में भी सिंपल कंपाउंड बिल्कुल सही है, अपने पास पिनेटली कंपाउंड लिप्स कहाँ पे पाया जाता है, अपने पास साइकस के अंदर, ठीक है ओके। फिर इन साइकस द पिनेटली कंपाउंड लीफ परसिस्ट फॉर मेनी ईयर्स, नहीं नहीं सड़े ने बोला इसी पर सिर्फ फ्यू ईयर्स के लिए क्या करता है, परसिस्ट करता है, फ्यू ओनली, तो इसी पर सिर्फ क्या करेगा, फ्यू ईयर्स के लिए परसिस्ट करेगा, ओनली परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स नॉट फॉर मेनी ईयर्स, ये इनकरेक्ट है, अपना सही आंसर हो जाएगा। ये जीरोफिटिक एडेप्टेशन शो करते हैं, बिल्कुल सही है ये ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राउंड सब्सटेंस सीक्रेट बाय द कनेक्टिव टिश्यू एक्यूमुलेट बिटवीन द सेल एंड फाइबर इज, तो यहाँ पे आंसर साफ साफ लाइन बोलती है कि द सेल्स ऑल्सो सीक्रेट मोडिफाइड पॉलीसेक्राइड, हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है, जैसे मिडिल लेमिला काम करता है कि इसमें प्लांट सेल्स में, उसी प्रकार यहाँ पे एनिमल सेल्स में पॉलीसेक्राइड जो काम करेगा। मैच द आइटम इन द कॉलम वन विद देयर यूजर इन द कॉलम टू एंड चूज द राइट ऑप्शन एलाइजा, दैट इज एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, तो ए इज मैच्ड विद, ए इज मैच्ड विद वन, ए इज मैच्ड विद वन, सो वी हैव ए वन, सो वी हैव थ्री ऑप्शन विद ए वन। नेक्स्ट इज पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका काम किस लिए आता है, एनसेडिन लिखता है, एनसेडिन लिखा कि एम्पलीफिकेशन कैसे करेंगे इसका, पीसीआर से करेंगे, तो बी का हो जाएगा टू, बी का टू कितने ऑप्शन में, दो दो में, तो बायोलॉजिक मैथड दैट इज ऑल्सो नोन एज जीन गन मैथड, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल किया जाता है प्लांट सेल्स में जिसमें गोल्ड्स और टंगस्टन पार्टिकल का इस्तेमाल करके बॉम्बार्ड करते हैं उसको, गोली में डाल के डीएनए को गोली में डाल के, जो कि किससे बने होते हैं, गोल्ड और टंगस्टन से, शूट कर देते हैं उस प्लांट सेल के अंदर ओके। तो यहां पे बैलिस्टिक मेथड में क्या होगा, डीएनए कोटेड विद गोल्ड एंड टंगस्टन, सो सी इज मैच्ड विद 4, सी इज मैच्ड विद 4, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑफ माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल में इस्तेमाल किया जाता है, दिस आर द वेक्टरलेस मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, वेक्टरलेस मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, डोमिनेंट रिसेसिव, याद रखने का, यहाँ पे पूछा गया डोमिनेंट रिसेसिव, यहाँ पे पहले में डोमिनेंट होना चाहिए, बाद में रिसेसिव होना चाहिए, ट्रेट प्लांट ओके, ट्रेट पेयर ऑफ पाइसम सैटिवम, एक्सियल टर्मिनल फ्लावर ओके, एक्सियल टर्मिनल फ्लावर बिल्कुल, एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है फ्लावर पोजिशन के लिए, बिल्कुल सही है, टॉल टॉप बिल्कुल सही है। येलो एंड ग्रीन पॉड कलर, नहीं पॉड कलर में येलो डोमिनेंट है कि ग्रीन डोमिनेंट है, यहाँ पे दिमाग में रखना कि पॉड कलर में अपने पास ग्रीन डोमिनेंट, याद कैसे रखेंगे, याद कैसे नहीं है सब, तो ये पता होता है कि एक में तो सीड में तो कन्फ्यूज होता है सीड कलर और पॉड कलर में किसमें क्या डोमिनेंट है, तो अपने पास पता है कॉटिलेडन कलर, कॉटिलेडन मतलब कहाँ होगा, कॉटिलेडन कहाँ होगा, सीड में होगा, और सीड में अपने पास येल्लो आता है और कॉटिलेडन में येल्लो आता है, तो कॉटिलेडन येल्लो आ रहा है कहाँ पे, सीड में आ रहा है येल्लो, कॉटिलेडन में आ रहा है येल्लो, तो येल्लो इसमें डोमिनेंट हो जाएगा, अगर येल्लो सीड में डोमिनेंट हो गया तो उल्टा हो जाएगा पॉड में क्या हो जाएगा, ग्रीन डोमिनेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये गलत जाएगा क्योंकि येल्लो बोल रहा है इसमें, गलत जाएगा, अपना सही आंसर जाएगा। एक्रोमियन प्रोसेस कैन बी ऑब्जर्व इन, तो वो बात कर लेते हैं अपने पास, एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ पाया था, ये स्कैपुला के अंदर, स्कैपुला जो होता है वो फ्लैट बोन होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, वो कि कहाँ पाया था है, T2 से, ये इंपॉर्टेंट है ओके, बिटवीन सेकेंड, सॉरी यहाँ पे T2 नहीं बोला, सेकेंड टू फिफ्थ सेवंथ रिब, टू दो से सात चलती है क्या, दो से सात, तो नौ से बारह होता है गाने में नौ से बारह होता है, यहाँ पे दो से सात वाला गाना चला लेते हैं, दो से सात वाला, दिमाग में चीजें याद होनी चाहिए, बस चार मार्क आना चाहिए अपने पास ओके। एक्रोमियन प्रोसेस कैन बी ऑब्जर्व इन, एक्रोमेन प्रोसेस कैन बी ऑब्जर्व इन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्रोमेन प्रोसेस कहाँ पे देने को मिलेगा, स्कैपुला के अंदर, इसी के साथ आर्टिकुलेट कौन करेगा, क्लेविकल, सो क्लेविकल आर्टिकुलेट विद द एक्रोमेन, क्लेविकल आर्टिकुलेट विद द एक्रोमेन इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे देने को मिलेगा, पेक्टोरल गर्डल में ओके तो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू इज, तो हमने पास कोलन काइमा क्या होता है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है, कोलन काइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है, कहाँ कहाँ पाया था, यंग स्टेम में पाया जाएगा और पेटियोल ऑफ लीफ जो कि उसको हवा में फ्लटर करने के लिए हेल्प करेगा। ओ ग्रुप मदर विथ ओ ग्रुप चाइल्ड, ओके ओ ग्रुप मदर है जिसके पास ओ ग्रुप चाइल्ड है, अच्छा तो ओ ग्रुप मदर तो होगा यहाँ पे, ओ होगा ये, अच्छा एब्यूज ए बी ग्रुप मैन फॉर फादरशिप और चाइल्ड, ठीक है ओके। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू रिगार्डिंग दिस, तो यहाँ पे अपने पास फादर क्या है, ए बी है, तो अपने पास क्या है कि अपने पास मदर बोल रही है, ठीक है ओके, मदर इज ट्रू बट फादर क्लेम इज रॉन्ग, क्या है यहाँ पे, स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दिस ओके, तो यहाँ पे बोला है सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू रिगार्डिंग दिस ओके ओके, ग्रुप मदर विथ ओ ग्रुप चाइल्ड अब्यूज ए बी,
हाँ, तो मदर ने बोला कि वो ब्लड ग्रुप मदर का है और फादर ने बोला कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन हमने पास यहाँ पे मदर का सही होगा, मदर का सही होगा क्योंकि वो ब्लड ग्रुप जो होगा ना वो मदर से ही आएगा। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि फादर बोल रहा है कि ये बच्चा मेरा है लेकिन ब्लड ग्रुप उसका ओ है, और फादर अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास जो चाइल्ड होगा उसका ब्लड ग्रुप या फिर ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है ना। तो यहाँ पे अगर मदर का ओ है तभी इसके पास, इसके पास अलील कहाँ से आएगा, अलील कहाँ से आएगा, इसके पास मदर से आएगा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा अपने पास, मतलब डी हो जाएगा, मदर इज करेक्ट एंड फादर इज रॉन्ग। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। तो अपने पास जो जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो क्या होता है, डेड होता है, ये विदाउट प्रोटोप्लाज्म होता है स्क्लेरेनकाइमा, जिसमें ट्रैकिट्स आते हैं। यहाँ पे स्लेट्स की बात कर लेते हैं, स्लेट्स और फाइबर, तो इसमें ल्यूमन होता है बीच में, इनमें बीच में ल्यूमन पाया था, ये पिट्स हो गए, ये थिक सेल वॉल हो गए, यहाँ पे ल्यूमन हो गया, थिक सेल वॉल हो गया, लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज गिवन इन द डायग्राम बिलो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द सेम। ओके, क्या हो जाएंगे डेंड्राइट, क्या हो जाएंगे डेंड्राइट, क्या हो जाएंगे डेंड्राइट। ओके, तो यहाँ पे टिपिकल टिपिकल न्यूरॉन कंप्राइजेस ऑफ ओनली थ्री पार्ट्स ए सी ई, बिल्कुल करेक्ट है, बी रिप्रेजेंट द रेनल बॉडीज और नेसल ग्रेन्यूल्स फाउंड इन द साइटोन ऑफ द न्यूरॉन। यस, तो जी सी है वो नेसल ग्रेन्यूल्स है जो कि राइबोसोम का काम करते हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। डी आर लोकेटेड ऑन ई, डी क्या है अपने पास, स्वान सेल है क्या, ओके डी स्वान सेल है, स्वान सेल ई में पाए जाएंगे। ई क्या है अपने पास, एक्सॉन है क्या, बिल्कुल है। ओके, विद सीक्रेट एफ एफ क्या है, माइलिन शीथ है क्या, माइलिन शीथ है। ओके, एच प्रोसेस बोथ डेंड्राइट एंड न्यूरो ट्रांसमीटर, एच क्या है, एच क्या है, ये तो अपने पास है। यस क्या है, ये सिनेप्टिक नॉब है, यस क्या है सिनेप्टिक नॉब, यस क्या है सिनेप्टिक नॉब है, एच क्या है सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक नॉब में सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, इस सिनेप्टिक नॉब में सिर्फ और सिर्फ न्यूरो ट्रांसमीटर पाया जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूरो ट्रांसमीटर पाया जाता है, यहाँ पे कोई डेंड्राइट की बात ही होगी नहीं। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा अपने पास, सही आंसर ये, क्योंकि अपने पास गलत पूछा गया ना, अपने पास क्या पूछा, इनकरेक्ट, क्या पूछा, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया। नेक्स्ट इज व्हेन पॉलन ग्रेन ऑफ फ्लावर पॉलिनेट द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ओके अनदर प्लांट ऑफ द सेम प्लांट एंड इज नोन एज ज्यूटिनोगैमी, दैट इज नोन एज ज्यूटिनोगैमी। इन मॉर्गन एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला ही फाउंड दैट द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन द जीन वाई एंड डब्ल्यू। तो यहाँ पे देखो दैत के साथ दिखने वाला डायग्राम बना दिया एनसाइड ने हमको, दैत के साथ दिखने वाला डायग्राम से हमको तो सिंपल से समझ लेना है यार यहाँ पे, कि अपने पास एक जीन बना लेंगे ऐसा, एक अलील बना लेंगे ना, एक क्रोमोसोम बना लिया ऐसा, और इसके पास अपने पास तीन जीन पाए जाएंगे, एक वाई होगा, एक डब्ल्यू होगा, एक एम होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पीछे चलना है, जेड पहले आता है कि वाई आता है, पहले वाई आ जाएगा उससे नीचे, उसके पीछे चलना है, वाई से पीछे चलेंगे तो डब्ल्यू आएगा, फिर उससे पीछे चलेंगे तो एम आएगा, ये सीक्वेंस आएगा अपने पास। और फिर पहला जो होता है वो बॉडी कलर, फिर दूसरा होता है ये आई कलर, ये चीज़ याद रखने की, बिल्कुल पहला बॉडी कलर, फिर आई कलर, फिर विंग साइज। ओके, तो पहले में देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज़्यादा होगा, देखो लिंकेज मतलब पैरेंटल कम्युनिकेशन 98.7%, अपने को दिमाग में ये तो रहता है कि भाई कितना परसेंट क्या होगा, है ना, मतलब किसका याद नहीं था किसका कितना परसेंट होगा, तो 1.3 सबको पता था कि 1.3 एक में होगा और एक में 37 पॉइंट कुछ होगा, लेकिन किसमें क्या होगा, तो पहला जो क्रॉस है वो किसका किसका है, बॉडी कलर और आई कलर, इसमें पैरेंटल कॉम्बिनेशन 98.7% हो जाएगा, तो दूसरे वाले मेरे पैरेंटल कॉम्बिनेशन 63 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है, हमको पूछा गया है वो वाई और डब्ल्यू के बीच में कुछ बात करनी है, तो वाई और डब्ल्यू पास पास है, तो यहाँ पे लिंकेज ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे ओके ओके हायर देन द, क्या पूछा यहाँ पे, द लिंकेज बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू, जो वाई एंड डब्ल्यू डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज्यादा होगा। ओके, लिंकेज इज हायर देन द जीन बिटवीन डब्ल्यू एंड एम, डब्ल्यू एंड एम के बीच में डिस्टेंस ज्यादा, तो यहाँ पे लिंकेज कम होगा, तो यहाँ पे लिंकेज ज्यादा होगा डब्ल्यू और एम, डब्ल्यू और वाई के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन फाउंड इन रॉड्स, तो रॉड्स में कौन सा रोडोप्सिन प्रोटीन पाया जाता है और इसमें विटामिन ए डेरिवेटिव होता है, ये विटामिन ए डेरिवेटिव। ओके, सेलेक्ट द रेटिनॉल जिसको बोलते हैं। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द वर्क बाय कोहन एंड बॉयर। ठीक है, तो कोहन एंड बॉयर वे फर्स्ट साइंटिस्ट टू इंट्रोड्यूस द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन ईयर 1972 में। बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है, एक तो सिंगा एंड निकोलसन साहब ने अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, और एक तो कौन, ओके कोहन एंड बॉयर साहब ने अपना ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, तो ये वाला गलत जाएगा अपने पास। दे आइसोलेट द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन बाय डिजॉल्विंग अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मी। ओके, दे आइसोलेट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय डिसॉल्विंग अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लाज्मिड। नहीं, आइसोलेट नहीं किया था, आइसोलेट नहीं किया था। ओके ओके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वॉज लिंक टू द प्लाज्मिड यूजिंग द एंजाइम डीएनए लाइगेज, नहीं डीएनए हेलिकेज, नहीं लाइगेज। द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वॉज आइसोलेट फ्रॉम नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सेल्मोनेला टाइफस। ये आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, ओके ओके, पीस ऑफ डीएनए डिसॉल्व करने से, नहीं नहीं आइसोलेट किया था, ओके फ्रॉम अ प्लाज्मिड पीस ऑफ डीएनए। ये सही ही गलत है, हमको बोला गया है कि देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है, क्या लिखती है, दे आइसोलेट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड। ओके आइसोलेट, ये सही तो लग रहा है यार, आइसोलेट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन
बाय कटिंग एंड नॉट डिजोल्विंग। हाँ सही नहीं गलत है, ओके बाय डिजोल्विंग, ध्यान से जल्दी में नहीं समझ आता, ठीक है। तो यहाँ पे डिजोल्विंग नहीं होगा, कटिंग होगा, कट करके निकालेंगे, डिजोल्व करके नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा अपने पास, ये सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट इज द जीनो टाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर आई ए आई बी एन। हमारे पास हस्बैंड दिया, अपने पास क्या दिया, हस्बैंड का दिया अपने पास ए बी, और वाइफ का दे दिया ए ओ। ओके ओके अमॉन्ग द ब्लड, ओके अमॉन्ग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनो टाइप एंड फिनो टाइप आर पॉसिबल। तो यहाँ पे ए मिल सकता है, ए ओ मिल सकता है, ए बी मिल सकता है, और बी ओ मिल सकता है। तो यहाँ पे तो एक ही फिनोटाइप होगा, ए ब्लड ग्रुप, ये अलग फिनोटाइप, ये अलग फ्रू। तो अपने पास चार जीनोटाइप मिले, चार जीनोटाइप मिले, चार जीनोटाइप मिले, कितने जीनोटाइप मिले, चार जीनोटाइप, चार जीनोटाइप मिले, चार जीनोटाइप, और अपने पास तीन फिनोटाइप, तीन फिनोटाइप, ए बी और बी, चार जीनोटाइप तीन फिनोटाइप। हाउ मेनी फॉलोइंग फीचर बिलोंग टू स्केलेटन मसल्स। तो स्केलेटन मसल्स क्या होंगे, ओके हाउ मेनी फॉलोइंग फीचर बिलोंग टू स्केलेटन मसल्स, यस दे हैव स्ट्राइप्ड अपीयरेंस, तो करेक्ट है बिल्कुल। ओके वॉलेंट्री नेचर, बिल्कुल सही है। नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सीएनएस, क्यों नहीं है भाई, गलत है, अपने पास कंट्रोल होते हैं। प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन, बिल्कुल सही है। तो अपने पास करेक्ट कितने हो जाएंगे, तीन, तीन करेक्ट है अपने पास, तीन करेक्ट है यहाँ पे, तीन करेक्ट हो जाएंगे। ओके फिर क्या पूछा है, पूछे द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर रॉन्गली मैच विद देयर कैटेगरीज। तो यहाँ पे टॉक्सिन, टॉक्सिन की बात आता है अपने पास, है ना, एआरटी होता है ना, असिस्टेड रिपेटिव टेक्नोलॉजी, तो याद रखेंगे वहां से। अरेबिन राइसिन क्या होता है, टॉक्सिन, अरेबिन राइसिन क्या होता है, टॉक्सिन। ओके फिर याद रखेंगे डीवीडी, डीवीडी होता है ना, डीवीडी होता है ना, डीवीडी याद नहीं रखते हमने, डीवीसी कर दिया, डीवीडी को क्या कर दिया, डीवीसी कर दिया, डीवीडी निकाल के डीवीसी कर दिया। तो इसको बोलेंगे ड्रग कौन होता है, विनब्लास्टिन करक्यूमिन, ड्रग कौन होते हैं, विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन। और बच्चे बच्चों को याद ही रहता है कि भाई लैक्टिन तो क्या है, कॉनकैनावेलिन ए है, क्योंकि यहाँ पे, यहाँ पे इतने बार क्वेश्चन आ गया, 19 2019 भी आ गया, ये नीट के क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉक्सिन सही है ये, तो ड्रग कर्क्यूमिन सही है बिल्कुल, ड्रग कर्क्यूमिन और विनब्लास्टिन तो किसके कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है ना बिल्कुल। यहाँ पे एल्कोनॉइड, एल्कोलाइड कोडिन है बिल्कुल, लैक्टिन एराबिन नहीं है, एबरिन नहीं है, एबरिन नहीं है, एबरिन, एबरिन नहीं है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, डी गलत है, बाकी सब सब सही है, यहाँ पे रॉन्ग पूछा है ना, तो डी गलत है अपने पास, बाकी सब सही है। विच द फॉलोइंग एमिनो एसिड हैज हाइड्रोजन इन इट्स आर ग्रुप। तो ग्लाइसिन में क्या होता है, आर की जगह में एच होता है, ग्लाइसिन में आर की जगह में क्या होता है, एच होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इनहिबिशन इज करेक्ट। ओके एंजाइम इनहिबिशन के हिसाब से करेक्ट बताना है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ओके कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन वैन सब्सट्रेट एंड इनहिबिटर कम्पीट विद, देखो जब सब्सट्रेट किसके साथ कम्पीट करेंगे, इनहिबिटर के साथ, एंड नॉट विद एंजाइम, एक जगह यहाँ पे सब्सट्रेट जब इनहिबिटर के साथ कम्पीट करेगा, ओके किसके साथ, एक्टिव साइट बाइंडिंग, ओके एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने के लिए। के बाद बोला है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट इन एन्यूप्लॉइडी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल रिजल्ट इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बिल्कुल सी, एक्स एक्स वाई 44+XXY क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लोजली लोकेटेड जीन ऑन द क्रोमोसोम ऑलवेज एस्टॉर्ट इंडिपेंडेंटली, नहीं, जो क्लोजली लिंक जीन है साहब उसमें क्या होगा, लेस रिकॉम्बिनेशन होगा, मतलब लेस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। तो ये गलत जाएगा अपने पास, गलत पूछा गया है। विच द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिलेटेड टू कॉकरोच, कॉकरोच के लिए बताना है कि गलत क्या है। ओके बॉडी डिवाइड डिविजिबल इन टू हेड थोरैक्स एंड एबडोमेन, बिल्कुल सही है। टू पेयर ऑफ विंग्स आर फाउंड, बिल्कुल, जो जो फोर विंग होता है, जो फोर विंग होता है उसको क्या कहते हैं, टेगमिना, टेगमिना आर द फोर विंग्स, टेगमिना आर द फोर विंग्स, टेगमिना आर द फोर विंग्स। ओके सो इट इज ऑल्सो करेक्ट, दे आर थ्री पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स आर प्रेजेंट इन एबडोमेन, नहीं नहीं जॉइंटेड लेग्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, थोरैक्स में पाए जाते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, अपने पास जॉइंटेड लेग पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे एब्डोमेन में नहीं पाए थे, जॉइंटेड लेग थोरैक्स में पाए हैं। प्रेजेंस ऑफ एनल सरसाइज इन बोथ सेक्सेस, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इफ अ मदर इज एफिलिएटेड बाय डाउन सिंड्रोम कस्ट बाय एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 द फादर इज नॉर्मल दस द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड बाय द डिसऑर्डर विल बी, देखो अपने पास फादर मदर क्या होगी, एक्सएक्स होगी, अगर इसके पास 44 क्रोमोसोम है, 44+XX क्रोमोसोम मतलब 2AA है ना, इसके पास AA है, AA प्लस है ना XX, तो यहाँ पे जब इसका गैमेट बनेंगे मदर के, तो एक में तो A+22 वाले जो होंगे, 22 होते हैं जनरली, सॉरी है ना, तो जिसमें एक कॉपी आ जाएगा, एक वाले में कॉपी आ जाएगा, 21 वाले का कॉपी, यहाँ पे लिखता हूँ 21, तो 22 ए प्लस क्या होता है, एक्स एक्स होता है ना, तो यहाँ पे एक ए के पास यहाँ पे ए प्लस एक और क्रोमोसोम आ जाएगा, 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस एक्स, एक ऐसा वाला क्रोमोसोम मिलेगा और एक में A+X वाला मिलेगा। तो यहाँ पे जब ये एक दो दो तरह गैमेट बनेंगे मिल में, एक जिसमें एक ऐसा गैमेट जिसमें ऑटोसोम के साथ साथ 21 क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है, तो वो वाला जब किसके साथ कोई भी स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, गैमेट डिसऑर्डर इस अफेक्टेड वाला बनाएगा, और ये डिपेंड नहीं करता कि वो मेल है कि फीमेल है ना। तो यहाँ पे 50% में क्या होगा, अफेक्टेड होंगे, 50% नॉन अफेक्टिव हो जाएंगे, कि 50% गैमेट में ही 21 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा।
Select the incorrect statement from the following. Most of the parasites are also pathogen. Yes, absolutely correct है ये. Intestinal perforation and death may occur in severe cases of typhoid. Typhoid बिल्कुल सही है. Plague is caused by virus. बिल्कुल गलत है. Plague is caused by bacteria and not by virus. Plague जो होता है Yersinia pestis एक bacteria है. Okay, Yersinia pestis एक bacteria है जिसको हम black death भी बोलते हैं. Plague, okay? Okay, तो ये भी अपने पास bacteria से होता है. ये virus नहीं होता, ये गलत हो जाएगा. Rhino virus is caused by common cold. Okay, sorry. Rhino virus causes common cold. Rhino means नाक से related चीज है. तो यहाँ पे common cold cause करेगा. An example of gene therapy is production of injectable hepatitis B vaccine. नहीं, तो recombinant DNA technology से अपन किया था ईस्ट के अंदर, ठीक है. ओके, production of vaccine in food crop like potatoes which can be eaten. नहीं. Introduction of gene for adenosine deaminase in a person suffering from severe combined immunodeficiency, that is KID. बिल्कुल कट ही वाला. एनसीटी ने बोला है कि जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है क्यों 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 जिसमें अपने पास एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी है. एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डीएमिनेज कहां पाया था, लिम्फोसाइट में. तो ये सही हो जाएगा, अपने पास रिक्वायर्ड आंसर यही है. Which set of drug is incorrectly matched with its group? तो अपने पास opioid, अपने पास हो गया बिल्कुल morphine और heroin. और what is heroin? That is nothing but diacetyl morphine. तो ये सही है. अपने पास coca alkaloid cocaine. Yes, बिल्कुल cocaine बिल्कुल सही है. Cannabinoid, barbiturates, LSD. LSD जो होता है लेकिन lysergic acid dimethylase diacetylase जिसको हम बोलते हैं, जो कि अपन करता है क्लेविसेप्स से. तो ये fungi से अपन क्या आता है ना, तो ये cannabinoid नहीं है, ये opioid है. ये क्या opioid है, ये opioid है, opioid है. तो यहाँ पे ये वाला गलत जाएगा और यहाँ पे ये सही है अपने पास. मतलब आंसर जो पूछा गया, क्योंकि गलत पूछा गया हमसे. यहाँ पे क्या हो गया, पहले तो इंपॉर्टेंट गलत पूछा कि सही पूछा है, गलत पूछा है. What dictates the type of animal that can be supported in any area? तो जो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी साफ साफ लाइनें हैं. एनसीईआरटी क्या है, साफ साफ लाइनें हैं. यार लाइनें मिक्स हो गई यहाँ पे बीच में. यही इसी पैराग्राफ, इसी पेज में लाइनें हैं. यहाँ पे जो साइज है ना, देखो पीएच यहाँ पे लाइनों पे लिखा है, लाइनों को चार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया. पीएच जो होता है, मिनरल जो होता है और टोपोग्राफी जो होता है वो वेजिटेशन को अफेक्ट करता है. वेजिटेशन इन टर्म अफेक्ट द टाइप ऑफ एनिमल इनहेबिटिंग एन गिवन एरिया, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है किसको अफेक्ट करेगा, टाइप ऑफ एनिमल को. और वेजिटेशन को कौन अफेक्ट करेगा, पीएच, मिनरल और टोपोग्राफी. और अपने पास जो बोला ना कि अपने पास सॉइल कंपोजिशन और ग्रीन साइज हो जाएगा, ये किसको, परकोलेशन को अफेक्ट करेगा, परकोलेशन को. Which of the following statement is not correct? Which of the following statement is not correct? Crossing over is the exchange of genetic material between two homologous chromosomes. Yes. Not correct पूछा है. The enzyme which is involved during crossing over is called recombination. सही है. Okay, the enzyme which involved during recombination is recombination. बिल्कुल सही है. Recombination between homologous chromosome is completed by the end of diakinesis. नहीं, ये complete हो जाता है by the end of pachytene only. By the end of pachytene only. Pachytene के end तक ये complete हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा गलत. अपने पास यही रिक्वायर्ड आंसर, नॉट ट्रू पूछा है ना. सिनेप्टोमर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग जैगोटिन. या सिनेप्टोटिन या फिर जैगोटिन में क्या बनेगा, सिनेप्टोटिन को जैगोटिन बोलते हैं. यहाँ पे क्या बनता है, सिनेप्टोमर कॉम्प्लेक्स बनता है. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर्मिंग. ओके, आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग दैम. ओके, कैंसर एंड एड्स डू नॉट है. ओके, बोथ आर इनक्यूरेबल डिसीज. सही बात है. Ionizing radiation like UV rays. नहीं, UVs are not ionizing. They are non-ionizing radiation. UV rays जो होते हैं वो non-ionizing radiation होते हैं. इनके पास उतनी energy नहीं होती. लेकिन इससे ज़्यादा energy किसके पास होती है, X-ray के पास. तो वो क्या हो जाएगा, ionize कर देगा, atoms से electron निकाल देगा. तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है. कोकिन इज कॉल्ड एज क्रैक. यस, कोकिंग इज कॉल्ड एज क्रैक एंड इट इज जनरली इज नॉट इट इम्पोर्टेंट. कोकिंग को क्रैक और कोक बोलते हैं और ये स्नॉट किया जाता है. अच्छा, और ये इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ये किसके साथ इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन. तो ये सही हो जाएगा. एडोलेसेंस प्लेस द पीरियड बिटवीन 12 to 18. यस, 12 to 18 को एडोलेसेंस पीरियड बोलते हैं. बिल्कुल सही है. कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड इंक्रीज ऑन स्मोकिंग. यस, इंक्रीज कर देगा कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट ब्लड में, इंक्रीज जाएगा कब, स्मोकिंग के समय. सही होगा, ये करेक्ट पूछा गया. करेक्ट पूछा अपने पास, करेक्ट पूछा अपने पास. चार ऑप्शन करेक्ट है अपने पास, चार ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे. विच द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैलिस्थोगेमी. तो वायोला, ऑक्सलिस और अपने पास है ना कॉमिलाइना. इसमें क्या देखने को मिलता है, अपने पास है ना कैलिस्थोगेमी जिसको बोलता है बर्ड पॉलिनेशन. बर्ड पॉलिनेशन भी कहाँ देखने को मिलेगा, इसी कैलिस्थोगेमस फ्लावर में बर्ड पॉलिनेशन देखने को मिलेगा. Observe the given diagram of connective tissue. Identify it. Which of the following statement is incorrect regarding the
गिवन टिश्यू, ये गिवन टिश्यू क्या है, फैट स्टोर कर रहा है तो एडिपोज टिश्यू है, और एडिपोज टिश्यू इज मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, बिल्कुल सही है। अच्छा और ये क्या होगा, इट इज टाइप ऑफ लूज, ये वाला कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही है, लूज है, जैसा कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है ये, है ना। इट इज प्रेजेंट बिलो द स्किन, नहीं बिलो द स्किन तो अपने पास क्या पाता है, स्किन के नीचे पाता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ओके। इट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो कि कहां पाता है, बीनेथ द स्किन, बीनेथ द स्किन एंड नॉट द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, तो ये गलत लगा, है ना, तो यहां पे रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट आर कैन, ओके, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट आर कन्वर्टेड टू फैट इन दिस टिश्यू, सही है। विच ओके इंट्रायूट्राइन इवेंट इज इनकरेक्टली मैच विद द टाइम ऑफ ओकरेंस डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब एंड हिट, ओके सॉरी डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब एंड डिजिट एंड ऑफ टू मंथ, सही है सही है। एंसर देख लेते हैं, एंसर ने क्या बोला, एंसर ने बोला जो लिम्स है और जो डिजिट्स हैं, जो लिम्स हैं डिजिट्स हैं वो कब डेवलप हो जाएंगे, ओके टू मंथ, ओके टू मंथ में क्या बन जाएंगे, एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ द लिम्स एंड डिजिट बिकम डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, पहला सही है। इंट्रायूट्राइन इवेंट दिया डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, ओके एंड ऑफ थर्ड मंथ, यस जो मेजर ऑर्गन्स है, जो मेजर ऑर्गन्स हैं, जो कि मेजर ऑर्गन्स है वो थर्ड ट्राइमेस्टर सॉरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर दैट इज थ्री मंथ दैट इज 12 वीक में बन चुके होंगे, सही है ये तो, ओके तीसरा क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ मेजर ऑर्गन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सही है ये भी। ओके डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, रुको रुको यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ हार्ट तो थ्री मंथ में नहीं होगा, फर्स्ट मंथ में हो जाएगा यार, तो हार्ट भी तो हम सुन सकते हैं ना फर्स्ट मंथ में, तो यहाँ पे गलती कर दिया ना, मेजर ऑर्गन में हार्ट तो सबसे पहले एक मंथ में बन जाता है, यहाँ पे आंसर लिखा है कि हार्ट इज फॉर्म्ड एट द फर्स्ट ऑफ वन मंथ में हार्ट बन जाता है ना, ओके तो ये सही है अपने पास। और यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ओके बॉडी सेकंड ट्राइमेस्टर में दैट इज सिक्स मंथ में, तो जल्दी में गलती नहीं करनी। The process in which fitness of one species is significantly lowered in the presence of another species, क्या बोलते हैं interference competition, क्या बोलते हैं इसको interference competition बोलते हैं interference competition, तो यहाँ पे competition ही होगा मतलब interference competition हो जाता है, okay। Which of the following is incorrect about oogenesis, तो oogenesis के लिए important बताना है, oogenesis क्या होता है, इंसाइड ने बोला कि एक difference देखने को मिलेगा oogenesis और spermatogenesis में, oogenesis is initiated at the embryonic time only, embryonic stage में oogenesis start हो जाता है, तो ये क्या बोल रहा है अपने पास क्या बताना है, incorrect, okay, it start at the puberty, नहीं ये start puberty में नहीं होता, ये embryonic time से ही start हो चुका होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आइडेंटिफाई द स्टेप विच बिलोंग टू क्रैब साइकिल, पाइरूवेट कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम है तो लिंक रिएक्शन होगा, गलत हो जाएगा, ओके। रिलीज ऑफ जीटीपी ऑन कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनेट, ये सही है, सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा और जीटीपी दे देगा। पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये तो ईटीएस की बात कर रहा है, तो अपने पास ये हो जाएगा क्रैब साइकिल। During succession in the during succession in the successive serial stage there is succession के समय क्या होगा, हमने पास क्या चेंज होगा, ओके कम्युनिटी चेंज होगा कम्युनिटी में चेंज होगा, डायवर्सिटी में बायोमास इंक्रीज हो जाएगा, ओके तो सब सही है। At least dash of the sperm should have normal shape for normal fertility. तो normal shape and size 60% का होना चाहिए, और इस 60% में से जिसके पास normal shape size है, जिसके पास normal shape and size है 60% of the sperm में से 40% क्या शो करना चाहिए, vigorous motility, जिससे क्या हो fertile offspring देखने को मिले, अपने पास इंडिविजुअल देखने को मिले, ठीक है, तो ये अपने पास 60% आएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एम्फीबोलिक पाथवे, और चीजें रेस्पॉन्स इज एन एम्फीबोलिक पाथवे, तो यहाँ पे फैटी एसिड की बात कर रहा है क्या, फैटी एसिड आर यूज एज ए सब्सट्रेट व्हेन दे आर कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम एंड एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे, यस फैटी एसिड को कन्वर्ट किया जाता है, जो फैटी एसिड ये रहा है, फैटी एसिड को कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जो फैटी एसिड है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है, बिल्कुल सही बोल रहा है पहला ऑप्शन। अ पाथवे इज सेड टू बी एम्फीबोलिक व्हेन इट ओनली परफॉर्म कैटाबॉलिज्म, नहीं जब ये कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों परफॉर्म करे तभी एम्फीबोलिक कहेंगे, तो ये गलत जाएगा। ग्लिसरॉल एंटर द क्रैब साइकिल, नहीं ये क्रैब साइकिल एंटर नहीं करता, पागल की फॉर्म में ये किसको ग्लाइकोलिसिस को एंटर करता है, किसको ग्लाइकोलिसिस में एंटर करता है, नॉट इन क्रैब साइकिल इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट या फिर पागल, आंसर जाएगा ए, आंसर जाएगा ए। टी डब्ल्यू एंगल मैन स्प्लिट द लाइट इनटू ओके इट्स कंपोनेंट यूजिंग प्रिज्म, एक प्रिज्म के साथ क्या करता है इसको स्प्लिट कर देता है, एक प्रिज्म के साथ स्प्लिट करता है किसको, अगर लाइट को, किसने एंगल मैन ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, क्लेडोफोरा जो कि ग्रीन एल्गी है सर, ओके सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके पूसा सवानी वैरायटी ऑफ ओकरा इज असिस्टेंट टू सूड एंड फ्लूड, ऐसे बी एस एफ जाओ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, BSF शूट करो, BSF शूट करो, BSF में जाके शूट करो है ना, तो B से बॉर्डर और S से सवानी, F से फ्रूट बोरर, शूट से शूट बोरर,
तो BSS शूट करो AK-47 से। तो A4 इज द वैरायटी ऑफ भिंडी ओकरा। तो पूसा सवानी एंड पूसा A4 आर द वैरायटी ऑफ भिंडी ओकरा विच आर रेसिस्टेंट फ्रॉम सूट एंड फ्रूट बोरर। बिल्कुल सही है ये। तो बॉल वर्म डू नॉट प्रीफर द रफ लीफ कॉटन वेराइटीज। तो ये वाला गलत है। ओके अपने पास इसके बाद क्या बोला, उसके बाद क्या बोला अपने पास, इसके बाद बोला डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन मूंग बीन ओके टू येलो मोजाइक वायरस वाज इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। यस हमने बोला येलो मोजाइक वायरस से और पाउडरी मिल्ड्यू से रेजिस्टेंट था मूंग बीन में, वो म्यूटेशन ब्रीडिंग से लिया गया, म्यूटेशन से लिया गया। तो अपने पास आंसर जाएगा बी, मतलब डी डी डी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं अपने पास। ओके इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओके सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इकोलॉजिकल डायवर्सिटी इन इंडिया इज मोर देन नॉर्वे। बिल्कुल करेक्ट है। इन इंडिया अबाउट 5000 वैरायटीज ऑफ मैंगो इज फाउंड। इन इंडिया में तो 1000 वैरायटीज पाई जाती है मैंगो की, 1000 वैरायटीज पाई जाती है मैंगो की। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेनेटिक डायवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेनेटिक डायवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये गलत हो जाएगा अपने पास, सही आंसर ये हो जाएगा। सेलेक्ट द सेट ऑफ STDs ओके ओके STDs कौन है यहाँ पे, एड्स है, चिकन पॉक्स नहीं है, जेनाइटल वॉर्ड्स, हेपेटाइटिस बी, दीज आर STDs। यस दे आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ओके बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यार, सीजी सर देखो यहाँ पे जबरदस्त क्वेश्चन बनता है, बहुत फेम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सीजी सर जो जब अपने पास क्लेम आईडीएसिस है, ओके क्लेम आईडीएसिस जो होता है, गोनेरिया जो होता है, एस से अपने पास साइफिलीज होगा, ये तीनों कास किया जाता है बैक्टीरिया से, ये तीनों कास किया जाता है बैक्टीरिया से। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सीजी सर से याद रखेंगे, सीजी सर जो होता है दैट इज क्लेम आईडीएसिस, गोनेरियासिस और साइफिलीज आर कास्ड बाय बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट है यार अपने पास। पीटी पीटी करने के लिए आते हैं ना लोग परेड करने के लिए, पीटी करने के लिए आते हैं लोग परेड करने के लिए। जो अपने पास प्रोटोजिया है, प्रोटोजोन है, वो क्या कास्ट करता है, ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस इज कास्ट बाय, ट्राइकोमोनियासिस इज कास्ट बाय प्रोटोजोन। अब इसमें से एक भी नाम याद भी कर लेना है अपने पास, जो जेनेटल वर्ड्स होता है, जेनेटल वर्ड्स ऑफ इज कास्ट बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये यूट्रस सर्विक्स कैंसर कास्ट करता है, यूट्रस सर्विक्स कैंसर कास्ट करता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, दैट इज जेनेटल वर्ड्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी याद रखना चाहिए। और अपने पास जो साइफिली है, साइफिली ट्रिपाली, ट्रिपाली साइफिली, सिफाली ट्रिपाली, ऐसे याद रखेंगे। अपने पास जो साइफिली है वो ट्रिपेनोसोमा से, सिपेनो ट्रिपनिमा से होता है। ये दोनों जेनेटल वर्ड्स और साइफिली का इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए कि इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो कौन सा है, एजेंट मतलब पैथोजन। ओके उसके बाद क्या है अपने पास, हाउ मेनी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बीटी इन बैसिलस थ्रिनजेनेसिस ओके इंडिकेट बैस, ओके बीटी इन बीटी कॉटन इंडिकेट बैसिलस थ्रिनजेनेसिस। यस बीटी बीटी कॉटन में क्या है, बायोटेक्नोलॉजी या फिर बनोलॉजी थ्योरम, नहीं नहीं बायोटेक्नोलॉजी है ना, नहीं बायोटेक्नोलॉजी भी नहीं है, बैसिलस थ्रिनजेनेसिस है। सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ओके गोल्डन राइस इज बायोफर्टिफाइड राइस ओके विथ वाइटामिन ए एनरिच, बिल्कुल सही है, वाइटामिन ए एनरिच होता है, इसके पास डेफोडिल का जीन होता है बीटा कैरोटीन वाला। अच्छा तो ये सही है अपने पास, ट्रांसजेनिक टबैको इज डेवलप टू बी रेजिस्टेंट अगेंस्ट मैलिडोगाइन इनकॉग्निटिया बाई RNAi। यस हमने बोला मैलिडोगाइन इनकॉग्निटिया को, ओके मैलिडोगाइन इनकॉग्निटिया ये रहा, मैलिडोगाइन इनकॉग्निटिया। अच्छा ये अपने पास रूट को अफेक्ट करता है, ये निमेटोड है, इससे इसको बचने के लिए हमने क्या किया, RNA इंटरफेरेंस टेक्निक का इस्तेमाल किया। तो ये सही है अपने पास। तो अपने पास पूछा क्या, इनकट इनकट अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है, 3। देखो जल्दी जल्दी में क्या होता है, गलती हो जाती है, 3 सही रहता है, 3 नहीं होता है। यहाँ पे इनकट पूछा है ना, ग्रेट नहीं पूछा है, इनकट पूछा है अपने पास। विच सेट ऑफ कंट्रासेप्टिव हैव सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो यहाँ पे कॉपर टी और मल्टी लोड 375 दोनों क्या है, कॉपर लीजिंग आयोडीन सेम फंक्शन, दोनों स्पर्म को, स्पर्म की मोटिलिटी और एक्टिविटी सप्रेस कर देंगे। ओके ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी रिजल्ट इन, जब ओवर ग्रोथ होगा एल्गी का तो क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। जब एल्गी का ओवर ग्रोथ होगा, जब एल्गी का ओवर ग्रोथ होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा से कंज्यूम करेंगे और ब्लड लेवल जो होगा डिजॉल्व ऑक्सीजन का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये गलत जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, गलत जाएगा। अब जब ब्लड अपने पास पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व कम हो गया तो हमको पता है DO जो होता है, DO इज इनवर्सिबल नॉट BOD। अब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया तो BOD क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिक्रीज बोल रहा है, गलत बोल रहा है। मोटिलिटी, जब ऑक्सीजन कम हो गया ब्लड में तो मोटिलिटी होती होगी कि नहीं, फिश की होगी, बिल्कुल होगी। एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर एंड इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास आर रेस्पेक्टिवली सीन। देखो अपने पास ट्री, ट्री में बात करें सबसे नीचे में क्या था, प्रोड्यूसर, ट्री में प्रोड्यूसर क्या होगा, एक ही होगा एक ट्री, और उसमें बहुत सारे कौन खाएंगे, उसमें बहुत सारे इंसेक्ट होंगे, सॉरी बर्ड्स होंगे, और बर्ड्स को कौन खाएगा,
इंसेक्ट खाएंगे तो इंसेक्ट का नंबर बहुत ज़्यादा होगा, तो ये अपने पास नंबर का पिरामिड होगा बायो ट्री में, वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा ट्री के अंदर, ठीक है। तो हमने आंसर जगह सी, क्योंकि ट्री तो ही में दिया है, और जो बायोमास का पिरामिड होगा वो इन्वर्टेड कहाँ होगा, सी में, क्योंकि वहाँ पे जो फाइटो प्लैंकटन होंगे उनका अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन जो बायोमास होगा वो क्या होगा, कम होगा। इससे ज़्यादा बायोमास किसका होगा, जू प्लैंकटन का, और उससे ज़्यादा बायोमास होगा स्मॉल फिश का, उससे ज़्यादा बायोमास हो जाएगा लार्ज फिश का, तो दोनों इन्वर्टेड हो जाएंगे। कहाँ पे, कहाँ पे एनसेडी ने बनाया, थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। एनसेडी ने डायग्राम बनाया है किसका, बायोमास का, बायोमास के इन्वर्टेड पिरामिड बना दिया किसमें, अगर अपने पास जू प्लैंकटन का सबसे कम है, सॉरी फाइटो प्लैंकटन, फिर प्राइमरी कंज्यूमर दैट इज जू प्लैंकटन, तो ये किसमें इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर 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 ओशियन और लेक इकोसिस्टम इन ग्रीन क्रॉप इन ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर एक्ट एज, तो वाटर क्या करेगा, अपना H2 को दे देगा किसको, CH2 को, मतलब CO2 को जब इसने H2 दे दिया, ये हाइड्रोजन दे दिया, तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया CH2O में, जिसे को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, तो वाटर एक्ट एज एन हाइड्रोजन डोनर। ओके, प्रूफ किसने किया था, वॉन नील साहब ने, वॉन नील साहब जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, वॉन नील साहब जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या प्रूफ किया कि अपने पास जो वाटर होता है वहां से ऑक्सीजन आता है और एक एक्ट करता है एज अ हाइड्रोजन डोनर। ओके, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी हाँ, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, कार्बन का रिडक्शन होगा, CO2 का रिडक्शन होगा। अच्छा, ओके, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयरिंग, अपने पास क्या है, चिलोट्स बोले तो टर्टल, ओके नहीं, चिलोट्स मतलब क्या, टर्टल होता है क्या, तो चिलोट्स मतलब होता है गार्डन लिजार्ड, है ना, चिलोन मतलब टर्टल होता है, ये चिलोट्स बोल रहा है, तो यहाँ पे गार्डन लिजार्ड हो गया। एपिडर्मल स्केल ऑन द बॉडी, यस दे आर रेप्टाइल, बिल्कुल करेक्ट है ये वाला। ओके, नियोफ्रॉन, ओके दैट इज वल्चर स्किन, यूजुअली विदाउट ऑयल ग्लैंड, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक्सेप्ट ट्रेल में पाता है, ओके अलग बात है, यहाँ पे यूजुअली बोला ना इसलिए, ओके ये उसका है, बिल्कुल सही है। परसिस्टिस स्टीम लाइन बॉडी, ऑस्टियोकाइसिस का मेंबर नहीं है, परसिस्टिस द मेंबर ऑफ कॉन्ट्रोकाइथिस, सॉरी बिल्कुल सही है, कॉन्ट्रोकाइथिस का मेंबर, ये कार्टिलेजिनस फिश है, ये यहाँ पर ऑस्टियोकाइसिस का मेंबर नहीं है, गलत होगा अपने पास, सही आंसर यही है। लेटरल ब्रांचेस विथ शॉर्ट इंटरनोड गिविंग राइज टू रूट बिलो एंड लीव्स अबव एट द नोड, याद रखना, नोड पे आते हैं क्या, नोट्स पे आते हैं लीव, यहाँ पे ये नोट्स पे क्या आते हैं, लीव्स, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी बोलती है कि नोट्स पे क्या आ रहे हैं, लीव्स आ रहे हैं, नोट्स पे क्या आ रहे हैं, नोट्स पे ये रहे नोट्स, ईच नोड बियर अ रोजेट ऑफ लीव, ओके एंड ट्रफ्ट ऑफ रूट, याद रखना, रोजेट किसका होता है, रूट का, और ट्रफ्ट, सॉरी रोजेट किसका होता है, लीव्स का, और ट्रफ्ट किसका होता है, रूट का, रोजेट ऑफ लीव एंड ट्रफ्ट ऑफ रूट, ये स्टेटमेंट भी उल्टा करके कन्फ्यूज किया जा सकता है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइकॉनियन क्रेसिप, आइकॉनिया एंड पस्टिया, पाई, चार पाई होता है, चार पाई जिसमें बैठते हैं लोग, चार पाई, तो पाई बोलेंगे, पाई बोले पी आई पाई, पिस्टिया एंड आई कॉर्निया इज द एग्जांपल ऑफ ऑफसेट टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागुल। नाइट्रोजिनेस इज एन एंजाइम यूज्ड इन, तो नाइट्रोजिनेस जो एंजाइम होता है वो नाइट्रोजन रिडक्शन में काम आता है। अच्छा, ओके उसके बाद क्वेश्चन है, फ्लेम सेल एंड मेटाजेनेसिस आर फाउंड इन रेस्पेक्टिवली, इन फ्लेम सेल पाया जाएगा फ्लैटी एलिमेंथीस में, और ये फ्लेम सेल हेल्प किसमें करेंगे, ये फ्लेम सेल हेल्प करेंगे एक्सक्रीशन में, और अपने पास मेटाजेनेसिस देख लीजिए, हमने बोला ये ओबिलिया के अंदर पाया जाएगा, ओबिलिया फाइसिलिया के अंदर। ओके, एम से पी जाओ सेक्सुअली दैट इज मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। ओके द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ द डो इन बेकरी इज ड्यू टू द CO2 प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन बाय ईस्ट दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ओके सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नेक्स्ट इज इन ई कोलाई द लैक ऑपरॉन गेट स्विच्ड ऑन वैन, जब हमारे पास ये स्विच ऑन कंडीशन, ये वाली स्विच ऑन कंडीशन कब होगा, जब इंड्यूसर जो कि लैक्टोज होता है वो जब रिप्रेसर के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, तब ये क्या होगा, स्विच्ड ऑन हो जाएगा। लैक्टोज इज प्रेजेंट इन बाइंड विद द आरएनए पॉलीमरेज, नो इट इज बाइंड विद द रिप्रेसर। According to Darwin, which of the following variation enable the individual to reproduce and leave more progeny? तो जो heritable variations होते हैं, which adapted better, heritable variation and which adapted better will, okay, जो resource utilization better करेगा, वही natural selection और more progeny दे पाएगा, जिसके पास heritable variation होंगे और जो resource utilization better देगा उसी के पास, उसी के progeny ज़्यादा निकलेंगे। ओके होंगे मतलब, ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज टू मेंटेन द जेनेटिक ट्रेट ऑफ अ गिवन प्लांट, जेनेटिक ट्रेट को मेंटेन रखना है तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को, दैट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर, ओके बाय प्रोपेगेटिंग थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल और हमने बोला क्लोन्स को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट DNA, तो DNA के लिए DNA इज एन एसिडिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जाएंगे के DNA में फॉस्फेट होता है इसीलिए एसिडिक होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। DNA एट जेनेटिक मटेरियल इन मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज इट इज स्ट्रक्चरली मोस्ट स्टेबल टू RNA, बिल्कुल करेक्ट है। इन बैक्टीरियोफेज लैम्डा बैक्टीरियोफेज 48502 बेस पेयर फाउंड इन द DNA, बिल्कुल सही है।
यहाँ 4 है वहां 4 नहीं होगा, 5x174 में 4 है यहाँ 4 नहीं होगा। इस पे जो बैक्टीरिया इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कितना 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 5x174 के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए शो करता है 5x174। उसके बाद क्वेश्चन है फ्रेडरिक मिशर फर्स्ट आइडेंटिफाइड डीएनए 1829 नहीं 1869 में पहली बार आइसोलेट किया था, देखा जाएगा अपने पास यही पूछा गलत कौन सा है, गलत कौन सा है, गलत अपने पास डी वाला गलत है अपने पास। Which of the following identify the two? Okay, from the following identify the two correct statement with reference to meiosis. Meiosis के लिए बताना है. Meiosis involved to sequential cycle of nuclear division, that is meiosis one and meiosis two, but only one cycle of DNA replication. बिल्कुल सही है. Okay, फिर क्या? Development of chiasmus occur in meiosis, diagenesis नहीं. जो डेवलपमेंट होता है कायस्मेटा का वो कब होता है? डेवलपमेंट ऑफ कायस्मेटा इज सीन इन डिप्लोटिन एंड नॉट इन डायगेनेसिस, इट इज इनकरेक्ट, इट इज करेक्ट। सेपरेशन ऑफ टू बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, यस बिल्कुल सही है, कब होगा? एनाफेज वन में होगा, बिल्कुल होगा। नो डिवीजन इन द सेंट्रोमियर, ये बिल्कुल होगा, कहाँ पे डिवीजन नहीं होगा सेंट्रोमियर का, कैसे नहीं होगा डिवीजन तो होगा ना, सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है एनाफेज टू में, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ होगा? एनाफेज टू में। तो गलत क्या है आपके पास? वन एंड फोर इज इनकरेक्ट एंड वी हैव वन एंड थ्री करेक्ट। तो हमको क्या पूछा है? टू करेक्ट पूछा है ना, तो अपने पास करेक्ट क्या है? वन एंड थ्री। विथ रेस्पेक्ट टू मिलर एक्सपेरिमेंट विच द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल, विच द फॉलोइंग कंडीशन नॉट एप्लीकेबल, टेम्परेचर है 800 डिग्री सेल्सियस, गैसेस इन फ्लास्क CH3NH3H2O, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेंड, ओके, नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड ऑब्टेन नहीं होता, एमिनो एसिड ऑब्टेन होता है, न्यूक्लियोटाइड ऑब्टेन नहीं होता, एमिनो एसिड ऑब्टेन होता है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? सही, मतलब इनकट है, यहाँ पे कर पूछा है ना, मतलब इनका कौन सा ये पूछा, तो अपने पास ये गलत है। अपने पास तीन तरह के अमीनो एसिड बने थे, कौन कौन से? एस्पार्टिक एसिड बना था, एलानिन बना था और ग्लाइसिन बना था, ओके। उसके बाद क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज रिलेशनशिप द नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया इंक्रीज विद द साइज ऑफ एरिया, यस है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा एरिया का, वो क्या होता जाएगा? स्पीसीज रिलेशन बढ़ते आएगा, पहला सही है अपने पास ये हो जाएगा आंसर। द वैल्यू ऑफ डेड लाइस इन द रेंज 0.3 to 0.4, डेड की जो वैल्यू है उसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाइस करती है? 0.1 to 0.2, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। रिलेशन ऑफ ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होता, लॉगरिथमिक स्केल पे, लॉगरिथमिक स्केल पे ये होता है स्ट्रेट लाइन, तो ये गलत हो जाएगा। लार्जर द एरिया ग्रेटर द एक्सटेंट रेट, नो गलत है। Identify the incorrect statement from the following. हमको इनमें से क्या बताना है? गलत बताना है। Reservoir pool of phosphorus, sorry, reservoir pool for phosphorus cycle is earth crust where atmosphere is a reservoir pool of carbon. Yes, बिल्कुल, कार्बन के लिए रिजर्वायर कौन है? एटमोसफेयर। और लैंड मतलब मैंने बोला फॉस्फोरस के लिए रॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिजर्वायर। सही बात है, ये अपने पास गलत पूछा है। ड्यूरिंग कार्बन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल देर इज वेरी लिटिल रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ कार्बन, नहीं, कार्बन का रेस्पिरेटरी एक्सचेंज नेग्लिजिबल नहीं होता, कार्बन को तो नेग्लिजिबल एक्सपेक्ट नहीं होता, क्योंकि अपने पास जो कार्बन होता है ना, देखो लिखा है द फाइनल इज इन एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फास्फोरस थ्रू रेनफॉल इज मच स्मॉलर देन कार्बन, बिल्कुल। एंड सेकंडली बोला है सैटिन है कि जो गैसेस एक्सचेंज है फास्फोरस का बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज नेग्लिजिबल, लेकिन कार्बन का तो होता है CO2 की फॉर्म में एटमॉस्फेयर से, है ना, सांस हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 देते हैं, तो ये गलत जाएगा बी वाला। एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फास्फोरस टू रेनफॉल इज मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट, बिल्कुल सही है ये वाला। और ये बोला लास्ट टाइम अभी तो बात की जो हमने, गैसेस एक्सचेंज ऑफ फास्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज नेग्लिजिबल, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये वाला सही है अपने पास, डी वाला मतलब बी वाला गलत है, बी वाला ऑप्शन गलत है। Which of the following is not considered a sacred group? So, यहाँ से sacred group कौन सा नहीं है? Sacred group अपने पास कौन कौन से होते हैं? काशी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, ओके, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया रावरी इन राजस्थान, तीसरा हो गया वेस्टर्न घाट कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, नहीं कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड सरगुजा चंदा एंड बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रखना है दिमाग में, कौन सा जगह कहाँ पे है, कौन सा जगह कहाँ पे है, तो चार होंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये जो वेस्टर्न घाट है वो सेक्रेट ग्रुप का भी एग्जाम्पल है, और वेस्टर्न घाट अपने पास बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का भी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे तो ये होंगे ही होंगे, मतलब यहाँ पे जो है ना पाउडी गढ़वाल एरिया सब मध्य प्रदेश, ये नहीं होंगे किसके एग्जाम्पल? सेक्रेट ग्रुप्स के। तो यहाँ पे नॉट पूछा, गलत क्या है ये वाला। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड पेस्टिसाइड एसेट्रा हैज ओनली रिजल्टेड इन सेलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट ओके वेराइटीज इन मच लेसर टाइम, यस बिल्कुल सही है। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर द रिजल्ट ऑफ
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यस कन्वर्जेंट मतलब एक जैसे जाके जुड़ रहे हैं, बिल्कुल सेम फंक्शंस शो कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। व्हेन मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन अकर इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एंड आंसर इज आप सब लिखते हैं, लास्ट टाइम लिखते हैं अपने पास, व्हेन मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया इट रिप्रेजेंट अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इट रिप्रेजेंट अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल सर प्लासेंटल मैमल बेस्ट एग्जांपल शो करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। एंसर देखो ये सब तो अडैप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल है, ये सब अडैप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल है, लेकिन आपस में ये सब दोनों क्या शो कर रहे हैं, पैरेलल इवोल्यूशन या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, आपस में पैरेलल इवोल्यूशन या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं। देखो देखो सेम सेम जैसे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास इन कर रिक्वायर्ड आंसर है। द कंपाउंड लीफ इज सोन इन द डायग्राम, ये क्या है पीनेटली कंपाउंड लीफ है, क्या है पीनेटली कंपाउंड लीफ जो कहाँ पाया था नीम के अंदर, ये रैकिस है और यहाँ पे ये एक्साइल में पाया जाएगा अपने पास एक्सिलरी बर्ड, ये लिफलेट है, लिफलेट के एक्साइल में एक्सिलरी बर्ड नहीं पाया जाता, तो लिफलेट सॉरी पीनेटली कंपाउंड लीफ ऑफ नीम, ठीक है। मैच द एंटायर, ओके मैच द एंट्रीज इन कॉलम वन विद दोज इन द कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट आंसर। कैलिस्टोगैमी, कैलिस्टोगैमी मतलब बर्ड पोलिनेशन, ए इज मैच्ड विद टू, ए इज मैच्ड विद टू, ए इज मैच्ड विद टू, ओके। हमने बोला एनिमोफिली जो होता है क्या होता है, विंड पोलिनेशन इज मोस्ट कॉमन अमॉन्ग एबायोटिक फैक्टर, सो बी इज मैच्ड विद, बी इज मैच्ड विद थ्री, बी इज मैच्ड विद, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इन ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ओके इफ हीट किल एस स्ट्रेन इज इंजेक्टेड इनटू माइस, जब हीट किल एस स्ट्रेन को मैंने इंजेक्ट किया, ये रहा ये ऊपर में है, ये रहा हीट किल एस स्ट्रेन को जब मैंने इंजेक्ट किया माइस पे, तो क्या हुआ, माइस क्या हो गया, जिंदा था, माइस विल बी लाइव, इसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म थी, मशीनरी थी, वही डिनेचर हो गई, तो प्रोटीन नहीं बना पाया, इसका इफेक्ट नहीं कर पाया। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे इन द फ्लावरिंग प्लांट, ओके। तो देखो यहाँ पे सोर्स और सिंक का जो रिलेशन है, एनसीईआरटी बोलती है कि जो सोर्स और सिंक का रिलेशन है वो क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, इट इज रिवर्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन। तो अपने पास जो लीफ टू अदर पार्ट्स ओनली, नहीं, ये लीफ से अपने पास स्टोरेज ऑर्गन में भी जा सकता है, जब जरूरत पड़े तो स्टोरेज ऑर्गन से लीफ में भी जा सकता है, तो अपने पास बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। Select the incorrect match. Electrical synapses are rare in a body. बिल्कुल करेक्ट है. Arachnoid is the inner meninges. नहीं, middle meninges. ये inner most meninges नहीं होता. Arachnoid is the middle meninges. It is very thin middle. ये important, ये very thin होता है और ये middle होता है. तो यहाँ पे हमने बोला अंदर से बाहर की तरफ देखो, अपने पास ये very thin होगा, inner most नहीं होगा, middle होगा, तो ये गलत जाएगा। Medulla center for gastric secretion, बिल्कुल सही है। इसका अलावा media middle chamber of cochlea where organ of Corti is present. यहाँ पे हमें बात किया pad होता है ना, pad. तो पैड से अगले ना पैड, तो पी में तो पाया मैटर सबसे अंदर में, फिर एरेक्नॉइड, फिर ड्यूरा मैटर, अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे, ड्यूरा मैटर सबसे टफ होता है, पाया मैटर सबसे टफ होता है, थिन कौन होगा, एरेक्नॉइड होगा, एरेक्नॉइड मतलब क्रैब लाइक। All the following are correct except about a small pond ecosystem except, अरे small ecosystem में भी क्या होगा, unidirectional flow होगा energy का, small okay, तो in okay क्या पूछा है, it is fairly self-sustainable unit, बिल्कुल correct है। All the basic component of ecosystem are well exhibited, बिल्कुल correct है। The antibiotic component, okay sorry abiotic not antibiotic, abiotic component okay is in the water with all the dissolved organic and inorganic substance and rich soil deposit at the bottom of the pond, बिल्कुल सही है, ये सब एबायोटिक हो जाएंगे। द इकोसिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम एक्सेप्ट द इंडायरेक्शनल फ्लो, नहीं है, सब कुछ परफॉर्म करता है ये जो पॉन्ड इकोसिस्टम है, सब कुछ है ना, तो इंडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी परफॉर्म करता है, एक्सेप्ट क्यों बोल रहे हो, सब कुछ परफॉर्म करता है इकोसिस्टम जैसा है ना, चाहे एक्वाटिक हो कि टेरेस्ट्रियल हो, यहां पे भी इंडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होगा ही होगा। ये गलत बोल रहा है, अपने पास गलत पूछा, एक्सेप्ट लिख दिया ना, इसलिए गलत पूछ रहा है, यहां पे गलत हो जाएगा डी वाला। इकोसन टॉयलेट कैन बी सीन, ओके कैन बी सीन वर्किंग इन, तो इकोसन टॉयलेट कहाँ पे देखने मिलेंगे, केरला और श्रीलंका में, तो यहाँ पे केरला हो जाएगा आंसर।